ऐसे तो हम संन्यास लेना चाह रहे हैं, ऐसे तो हम संन्यास लेना चाह रहे हैं, इसलिए कि हम हमारे इतना एज में कोई पहलवान नहीं लड़ा है। विश्व विजेता गामा थे जो 52 साल के करियर में कभी नहीं कुश्ती हारे, लेकिन हम उनको भी पार कर दिए। लेकिन कहते हैं कि अभी आप पहलवान जी नहीं संन्यास लीजिए क्योंकि आप जवान हैं, लेकिन हम तो जान रहे हैं कि हम जवान नहीं हैं और चाह रहे थे भी कि कुश्ती जब ही हम संन्यास लें, जब हमारे बिहार में जो संकल्प लिए थे कि पूरे बिहार में कुश्ती को जिंदा रखेंगे, तो हम 30 बरस से लगातार 34 बरस से रखे हुए हैं और बिहार में एक से एक चेला तैयार हो गया जो कि 24 चेला है जो कि गोल्ड मेडल बिहार में लिया। आपका चेला जी, जिसमें सुधीर पहलवान भी आते हैं, नीतीश पहलवान आते हैं, गोपाल पहलवान आते हैं, आपका अशोक पहलवान आते हैं, रणधीर पहलवान आते हैं, सचिन पहलवान आते हैं। यार जो पूरे बिहार में हमने 100 चेला बनाने का काम किया, जिसमें कि तो 40-50 को तो नौकरी भी हो गया, सरकार नौकरी दिए हैं कुश्ती से। साथियों, अभी जो है हम लखीसराय जिला में हैं, हमारे साथ जो हैं चंद्रभान पहलवान जी हैं जिनका कि अंतिमा कुश्ती होने जा रहा है, मुलाकात हुआ है, तमाम बिंदु पे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। स्वागत है पहलवान जी आपका। आपका भी स्वागत है जी। क्या जानकारियां देना चाहेंगे पहलवान जी? अभी आपके बारे में हर जगह चर्चा चल रहा है कि पहलवान जी का अंतिमा कुश्ती होने जा रहा है। लोग बोल रहा है अंतिमा और सोच भी रहे हैं कि 1990 से कुश्ती लड़ रहे हैं जी, अभी 34-35 वर्ष कुश्ती को होने जा रहा है जी। और इस बार बड़े पैमाने पर कुश्ती प्रतियोगिता करवा रहे हैं जी। 35 वर्ष से लगातार कुश्ती में है और कुश्ती को जिंदा रखे हैं और चाह रहे हैं कि इस बार ऐसा विराट दंगल कुश्ती करावे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दोनों पहलवान को मंगा रहे हैं और सभी जिलावासी से यही हमारा गुजारिश है कि इस कुश्ती में भारी से भारी संख्या में आकर के शोभा बढ़ावे। क्या तारीख को होने? 22 के कल पता किए सर, आपके गांव में गए थे तो बहुत सारे पहलवान हैं जी। लेकिन वहां से एक गांव से चल करके चंद्रभान पहलवान जी चैंपियन बने, लगातार अभी जो है 100 चेला चंद्रभान पहलवान जी का है जो कि गोल्ड मेडल में है, बहुत सारे नौकरी में है, तो इतना बड़ा नाम कैसे हुआ पहलवान जी के? सभी लोग जानना चाहते हैं, कभी कुछ लोग तो पहलवान जी का विरोध भी करते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? हो, विरोध करता है तभी तो हम पहलवान हैं। हर चीज में विरोध है, खेल में भी विरोध है, राजनीति में विरोध है, घर घर में विरोध है, लेकिन इसी विरोधी में जो एक शायर है कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ने आंधी पानी में, खड़ा रहा जो अभी चल होकर हर संकट तूफानी में, खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में और मिली सफलता उसको जीने और मर जाने में। पहलवान में आ रहे हैं देवा थापा, बादल थापा और लाडी बाबा, वो भी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं और बिहार का जाने माने भी पहलवान सब पहुंचेंगे और हरियाणा से भी आएंगे। पहलवान जी, आप एक गांव से थे, इतना बड़ा पहुंच, इतना बड़ा पहचान आपका, कई मैंने कौन आपको इतना बड़ा सहयोग किया जो कि इतना बड़ा पहचान आपका बन गया? पहलवान जी चैंपियन भी आप बने और पहचान भी आपका सबसे ज्यादा हुआ, कब सबसे ज्यादा कौन सहयोग किया है सब चीज में पहलवान जी? कुश्ती के तो हम छोड़ दिए थे, लेकिन हमारा एक मित्र है जिसका नाम है टुनटुन यादव और वो रामगढ़ प्रखंड से आते हैं, चोटहा गांव है उनका। हम कुश्ती 2007 में हम सोच रहे थे छोड़ दें क्योंकि हमारे पास एक ऐसा संकट आया था कि हम 7 बरस घरे नहीं देखे, हमारा पर बहुत बड़ा इंजाम लग गया था दरोगा हत्याकांड का, उसका फर्स्ट मुदाले बना दिया था जिसका कारण हमारा 7 बरस कुश्ती पीछे हो गया था। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति मिला टुनटुन यादव जैसा जो कि हमको बोले कि चंद्रभान जी आप जिस जगह थे ना उस जगह अगर पहुंचना चाहते हैं तो फिर से आपको तैयारी करना पड़ेगा और बढ़िया राह दिखा है जो कि उनका बात पर रहे तो आज मंजिल मिला जी। फिर से आप कुश्ती जारी कर दिए? फिर जारी कर दिए कि एक राजेश रण DSP थे जी, लखीसराय में बहुत रहे, 3-4 साल रहे जी, तो उनसे जब मिलने के लिए गए थे, जब हाईकोर्ट से बेल लेकर के आए 7 बरस के बाद जी, तो उनसे मिलने के लिए आए तो बोले कि चंद्रभान जी आप ही हैं? बोले जी सर।
बल आपके तो गलत सलत आता है, क्राइम मीटिंग में भी आपका नाम आता है। कल ये आता है सर, उसे हमारे पास गाछ गिरा जो कोई भी लोग हमको बोल सकते हैं, लेकिन आपसे वादा करते हैं डीएसपी साहब कि हम फिर से कुश्ती तैयारी करेंगे और जहाँ थे हम वहाँ जरूर पहुँचेंगे। बनारस चले गए, फिर बनारस में कुश्ती को तैयारी किए। जी 2011 में हृदय नारायण झा डीएम थे लखीसराय को, तो वही पुरस्कार दिए हमको, सम्मानित किए, तब से हमारा मनोबल बढ़ गया। हमारे साथ जो कुश्ती लड़ता था वो कम से कम 30 बरस पहले 25 बरस पहले लंगोटा खोल दिया, लेकिन हम अभी भी लंगोटा का बरकरार रखे हुए हैं। आप भी एक गांव से थे, आप भी कोई साधारण परिवार से हैं, अब इतना बड़ा नाम आपका कैसे हो गया? हम लोग नहीं इसको विश्वास करता है लोग हम आप। जिद बना लिए थे। अच्छा, हमारे पिताजी कहते थे कि तुम अब गांव से बलगर हो जाओ तो हम जान जाएंगे कि हमारा बेटा गामा पहलवान हो गया। लेकिन हम उनको सपना के पूरा किए कि इनका गांव का सपना है तो हम बिहार का सपना दिखाएंगे। तो जिला से भी मेडल लाए, बिहार से भी मेडल लाए, दूसरे राज्य से भी चैंपियन मेडल लाए। जो आप हमारे घर पर गए, पच पच राज्य से हम चैंपियन मेडल लाए, 51 भैंस दे दिए हैं, 1-1 लाख। भैंस अभी तक आप 51 पूरा कर अभी दिए, तो फिर रखेंगे, अभी 52 भैंस हो जाएंगे। 52 भैंस अभी पूरा होने जा रहे हैं। हमारा सपना था कि जब हम भी भैंस जीते, जिसमें राजबल्लभ यादव विधायक थे, मंत्री भी रहे, सुरेंद्र यादव गया, उनसे भी भैंस लिए, और राजबल्लभ जी भी करीब 200 भैंस हमको दिए जीतने के बाद। वहाँ भैंसिये रखते हैं, तो हम जानते हैं कि भैंस से बढ़कर कोई पुरस्कार ही नहीं है। 10-12 किलो 14 किलो दूध वाला भैंस देते हैं, कम से कम अपनों खाएगा, बालों बच्चा खाएगा, कुल बलगर होगा, पैसा दे देंगे, खेत खरीद लेगा। लेकिन जब भैंसिया देते हैं तो उसको दूध जो है, अभी जिसको 1 किलो सांझ 1 किलो बिहान अगर भैंस के दूध मिल जाए ओरिजिनल, तो हड्डिया में पावर आ जाएगा। अभी तक ले आपने सभी 51 भैंस दिए, इस बार 52 भैंस देने जा रहे हाँ, हैं। जी, 22 तारीख आपका फिर कुश्ती दंगल है, हम बहुत बड़ा आयोजन है, जो भी आना चाहता है आ सकता है। कोई भी आ सकता है, कितना चेला वहाँ पे आपका भाग लेगा सर? सैकड़ों सैकड़ों चेला आपका वहाँ पे, कितने दूर दूर के पहलवान वहाँ पे आ रहे हैं सर? बहुत राज्य से आ रहे हैं, 5-6 राज्य से आ रहे हैं, उसमें पप्पू यादव जी भी भाग लेंगे। हाँ भाग जी, कुश्ती देखना चाहते हैं, जो लड़ना चाहते हैं वो जरूर जो है 22 तारीख को जो है आप भाग लीजिए, पहलवान जी का कुश्ती होने जा रहा है। और ये जो कुश्ती होगा वो लास्ट कुश्ती होगा, तमाम दूर दराज के बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं, जैसे कि इसमें भी पप्पू यादव जी भी भाग ले रहे हैं, तो आप भी आइए और कुश्ती को सफल बनाइए। मिलाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।